हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम फीवर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। रूटीन फीवर्स के बारे में, ये जो डेली बेसिस के ऊपर जो भी पेशेंट्स आते हैं क्लिनिकल्स में, क्लिनिक में, दवा खाने में जो भी पेशेंट आते हैं, फीवर जो जिनका आंग का जो टेम्परेचर है ज़्यादा हुआ रहता है, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ रहता है, उस टॉपिक के बारे में जनरली हम बात करेंगे। यूजुअली पेशेंट्स आने पर बोलते हैं मुझे सर्दी, जुकाम, बुखार, आंग गर्म हुआ है, ऐसा बोलते हैं। इसके साथ ही साथ उनका बदन में क्या है, पेन्स रहता है, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। जब बुखार आता है तब तब बॉडी में क्या है, बॉडी पेन्स रहता ही रहता है। एंड दो टाइप के हम बुखार देखते हैं, एक सर्दी जुकाम के साथ बॉडी पेन देखते हैं, एंड गले में दर्द रहता है, उसके साथ हम बुखार देखते हैं। वेराइटीज ऑफ फीवर्स आर देयर, बहुत टाइप्स के फीवर्स देखते हैं। ये जो भी पेशेंट के जरिए हम सिम्टम्स कलेक्ट करते हैं उसके ऊपर हमारा ट्रीटमेंट क्या है डिपेंड करता है। अगर पेशेंट बुखार है उसके साथ गला दर्द हुआ बोले तो ये थ्रोट इन्फेक्शन है, समझ लेना चाहिए। और क्या है, बुखार में ज्वाइंट पेन इन्वॉल्वमेंट है, ज्वाइंट्स इन्वॉल्व है, टाइटनेस ऑफ द ज्वाइंट है, सूजन है ज्वाइंट में, उठने बैठने तकलीफ हो रहा है, जिस साइड भी हम सोते हैं उस साइड हमको दर्द हो रहा है, ये क्या है, बोन ओरिजिन डिसऑर्डर, जैसे कि वायरल रिलेटेड रहता है, डेंगू रह सकता है और रह सकता है चिकनगुनिया रह सकता है। ये चिकनगुनिया एंड डेंगू छोड़ के भी और दूसरे वायरल इन्फेक्शन रहता है जो बुखार आने का रीज़न रहता है, साथ ही हड्डियों में, जॉइंट्स में दर्द रहता है, ये हुआ वायरल फीवर। एंड क्या है, टाइफाइड में क्या है, यूजुअली पेशेंट को बुखार रहता है और उसके साथ पेट में क्या है, थोड़ा पेन रहता है और गैस्ट्रिक सिम्टम्स रहता है, ये हमको टाइफाइड रिलेटेड सिम्टम्स की तरह लगता है। ये हुआ टाइफाइड फीवर। एंड हड्डियों का रिलेटेड जो बुखार रहता है, डेंगू एंड चिकनगुनिया रिलेटेड और अदर वायरल फीवर्स, यूजुअली वायरल फीवर्स आर रिलेटेड टू बॉडी पेन्स, जॉइंट पेन्स, बोन ब्रेक पेन्स। उनको हड्डियाँ क्या है ऐसा टूट रहे हैं, बदन टूट रहा है, मेरा बदन टूटने जैसा हो रहा है फीलिंग, ऐसा बोलते हैं पेशेंट। ये जो है ना वायरल फीवर्स में आ जाते हैं। एंड ये जो पेट दुखता है, गैस्ट्रिक सिम्टम्स रहता है, वो फीवर जो है टाइफाइड रिलेटेड होता है जनरली, और फीवर होता है थ्रोट इन्फेक्शन और सर्दी जुकाम के रिलेटेड। अदर देन ये नॉर्मल जो फीवर होते हैं, पेशेंट को इंक्रीज्ड बॉडी टेम्परेचर रहता है, बदन के क्या है टेम्परेचर हाई हुआ रहता है, आंग गर्म ज़्यादा रहता है, ये सब है। एंड फीवर एसोसिएटेड विथ हेडेक, ज़्यादा सर दुखते रहता है, उसमें हम दो तरीके देखते हैं, एक साइनस, ये जो साइनस रहते हैं ना ब्लॉक हुए रहते हैं, नाक बंद होते रहता है, उसमें हम हेडेक देखते हैं। और फीवर विथ हेडेक मोर देन 10 डेज, 7 डेज ऐसा रहा तो हम मलेरिया बुखार का भी देखते हैं। मलेरिया बुखार में सर दर्द रहता है, टाइफाइड बुखार में पेट दर्द रहता है, और वायरल फीवर जो डेंगू चिकनगुनिया रिलेटेड फीवर रहता है उसमें हड्डियाँ का दर्द रहता है। एंड थ्रोट इन्फेक्शन में फीवर विथ थ्रोट पेन रहता है। एंड जनरली माइनर इन्फेक्शन इतना रहता है, सबको लैब टेस्ट करके ये इन्फेक्शन से हुआ, वो इन्फेक्शन का हुआ, ऐसा लेना नहीं, चेक करने का नहीं रहता। अगर पेशेंट आते ही 3 दिन का, 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स देने पर अगर उसे बुखार कम होता है बोले तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर मोर देन 7 डेज, 10 डेज बुखार परसिस्ट हो रहा है, बुखार रह रहा है, इवन गोलियाँ ले लिए तो भी बुखार हद से ज़्यादा बढ़ रहा है, गोली डालने के बाद कम होता है, 1 आवर के बाद फिर से टेम्परेचर राइज होता बोले तो हमको क्या है, ये सब सोच के ट्रीटमेंट देना चाहिए। एंड
अगर टैबलेट्स के ऊपर ही कम हुआ ठीक है, नहीं तो लैब टेस्ट करा के उसका रिलेटेड आईवी ट्रीटमेंट भी करना पड़ता है। आईवी ट्रीटमेंट क्या होता है? जो भी हम लैब टेस्ट करते हैं, जैसा कि वाइडल टेस्ट फॉर टाइफाइड फीवर एंड चिकनगुनिया टेस्ट फॉर चिकनगुनिया वायरस एंड डेंगू चेक है, डेंगू वायरस प्रेजेंट है क्या नहीं ये देखने के लिए है, एंड ये सब रिजल्ट के बाद रूटीन सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट चेक करते हैं एंड कंप्लीट यूरिन चेक करते हैं, उसके अंदर कुछ इन्फेक्शन आया, ईएसआर लेवल इंक्रीज रहा तो आईवी लाइन ट्रीटमेंट प्रिफर करके ट्रीटमेंट दे देते हैं। अगर मॉर्निंग एंड इवनिंग इंजेक्शन देना है, पेशेंट बिल्कुल भी खा पी रहा है, उसे आने जाने में कुछ दिक्कत नहीं बोले तो क्लिनिकल्स लेवल में कम होता। अगर पेशेंट को कंप्लीट वीकनेस है, डिहाइड्रेशन हो रहा है पेशेंट बोले तो हमको आईपीडी रेफर करना पड़ता है, यानी कि एडमिट हॉस्पिटल को भेजना पड़ता है, नहीं तो क्लिनिकल लेवल पे ही कम कर सकते हैं। ये हुआ फीवर रिलेटेड डिस्कशन। एंड बच्चों में अगर फीवर कैसा हैंडल करना चाहिए ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्यों बोले तो ये एडल्ट्स में है, उन्हों बोल सकते हैं उनको क्या तकलीफ है, लेकिन बच्चों में क्या है ये सब सिम्टम्स हमको कलेक्ट नहीं होता है। ये सब कैसा हम बच्चों में फीवर कैसा हैंडल करें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ गिव वन लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू वंस अगेन।